हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? बाहर तो नहीं जा रहे ना? स्टे होम। बेटा, आज हम लोग ग्रामर का टॉपिक वाक्य समझने जा रहे हैं। बेटा, वाक्य किसे कहते हैं? मैंने आते ही आप लोगों से कहा था ना, आप कैसे हैं, आप कहीं बाहर तो नहीं जा रहे, स्टे होम। ये सारी जो लाइनें मैंने आप लोगों को बोली हैं, ये सारी लाइनें सेंटेंस कहलाती हैं, जिसे हम हिंदी में वाक्य कहते हैं। वाक्य, बेटा, ये तो एक ग्रामर का पोर्शन है। हम लोग अपने मन के भाव जब दूसरों को बताते हैं, तो उसके लिए हमें नेचुरल बात है, बातचीत करनी पड़ती है। और बातचीत करने के लिए हम लोग वाक्यों का सहारा लेते हैं। मैंने आप लोगों से सेंटेंस बोले थे, ये मेरे मन के भाव थे, मुझे आप लोगों से बातचीत करनी थी, और जिसका माध्यम क्या बना, वो सेंटेंस। तो सेंटेंस के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से हम अपने मन के भावों को प्रकट कर सकते हैं। अगर वाक्य की जैसे मैं बात कर रही हूं, वाक्य, बेटा, ये ध्यान रखना, पदों के योग से बनता है। पदों मीन्स शब्दों के योग से बनता है। अब ये नहीं है कि कोई सा भी आपने पद उठाया और बोल दिया और वो वाक्य बन गया। नहीं बेटा, पदों में भी व्यवस्थित रूप से जब हम लोग एक दूसरे को मिलाकर शब्दों को हम व्यवस्थित रूप से जब मिलाते हैं, और मिलाने के बाद जब वो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, वो वाक्य कहलाता है। ध्यान रखना, सेंटेंस जब हम लोग बोलते हैं तो शब्दों का योग तो होता है, लेकिन व्यवस्थित रूप से उसे, प्रॉपर तरीके से उसे अरेंज करना पड़ता है। आपके जो मन में आएगा वो आप नहीं बोल देंगे उसको। ये नहीं है कि आप पहले संज्ञा बाद में लगा रहे हैं, क्रिया पहले लगा रहे हैं, विशेषण बीच में लगा रहे हैं, कहीं पीछे लगा रहे हैं। नहीं, ग्रामर का भी एक अपना व्यवस्थित रूप होता है, जिसे हम लोग कहते हैं अरेंज करना। तो उसी हिसाब से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। आप कैसे हैं, मैंने ये सेंटेंस बोला था, तो आप कैसे हैं, ये पूरा एक व्यवस्थित रूप है। मैं अगर चाहूं तो ये थोड़ी बोलूंगी कि भाई, हैं कैसे हैं आप, हैं आप कैसे, मतलब अजीब सा लगता है अगर हम लोग ये बोलते हैं। फिर हमें एक्सप्रेशन देने पड़ते हैं, आप कैसे हैं। अगर मैंने ये बोला, कैसे हैं आप, हैं आप कैसे, तो बेटा एक कहने का एक अपना अलग सेंटेंस का नजरिया होता है। अगर मैं इसे व्याकरण की दृष्टि से कहूं, तो शब्दों के व्यवस्थित रूप तथा ऐसे पारस्परिक मेल को, जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो तथा जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया का व्यवस्थित रूप हो, उसे क्रिया वाक्य कहते हैं। मतलब ये सारी चीज एक व्यवस्था के अनुसार ढली हुई हो, उसे सेंटेंस यानी वाक्य कहते हैं। वाक्य की कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे भाव और विचार को व्यक्त तो हम वाक्य के माध्यम से करते ही हैं। दूसरा, ये शब्दों के योग से बनता है, यानी पदों के योग से बनता है ये। और सभी पद, जितने भी पद हम लेंगे, वो व्याकरण नियमों के बंध कर, यानी वो एक व्याकरण में जो नियम होता है ना, पहले सब्जेक्ट,
अगर आप इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हो, इंग्लिश में तो आप पहले लिखते हो सब्जेक्ट, फिर आती है क्रिया, फिर आपका आता है विशेषण, और फिर आप एक्सेट्रा जो भी लगाना चाहते हैं। ऐसे ही हिंदी में भी एक व्यवस्थित क्रम होता है, उस क्रम में बंधे जाने पर ही सेंटेंस बनता है। जैसे सब्जेक्ट आ गया, फिर आपने, मैंने बोला था कि आप कैसे हैं, आप बाहर तो नहीं जा रहे, तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर बाद वाले शब्द आएंगे यानी प्रेडिकेट। अभी हम लोग इसके बारे में बात करने जाएंगे। तो वाक्य एक व्यवस्थित रूप है पदों का, जिससे हम अपने मन के भाव दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अब कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ शब्द ऐसे बोलते हैं जिससे भी हम लोग अपने भाव प्रकट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बोला था, और भी सेंटेंस हैं, जैसे जाओगे, कहां, कब, ठीक है, तो ये सेंटेंस भी हम अपने मन के भाव तो प्रकट कर रहे हैं। ये बात सही है कि हम अपने मन के भाव प्रकट कर रहे हैं, लेकिन सेंटेंस के रूप में ये नहीं है। भाव तो प्रकट करिए, आप मना नहीं है, लेकिन अगर आप लोग एक व्यवस्थित रूप से सेंटेंस बनाते हैं, वो ही आपका वाक्य कहलाता है। पिछली कक्षाओं में बेटा आपने पढ़ा था कि वाक्य के दो अंग होते हैं, अंग, रिमेम्बर, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य मीन्स सब्जेक्ट, विधेय मीन्स प्रेडिकेट, यानी बचा हुआ सेंटेंस। अगर हम लोग सब्जेक्ट को हटा देंगे तो बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो विधेय कहलाता है। याद आया? जैसे अगर मैंने सेंटेंस बोला, दिनेश खाना खा रहा है, अब इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, दिनेश खाना खा रहा है, ये आपका प्रेडिकेट यानी विधेय है। नेक्स्ट उदाहरण हम लोग देखेंगे, प्रेमचंद जी ने अनेक कहानियां लिखी, प्रेमचंद जी सब्जेक्ट हो गए, और अनेक कहानियां लिखी, ये प्रेडिकेट हो गया यानी विधेय कहलाता है। विमल बाजार जाता है, अब आप लोग सोचिए कि कौन सा सब्जेक्ट होगा। करेक्ट, विमल जो है वो आपका सब्जेक्ट हुआ, और बाजार जाता है ये आपका प्रेडिकेट हुआ। गुड। अब बेटा कि कभी कभी हम लोग वाक्य में उद्देश्य के बारे में बताने के लिए दूसरे शब्दों का भी सहारा लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर तो आपको एक सेंटेंस में सब्जेक्ट बता दिया था, लेकिन अगर मैंने ये बोला कि फलों से भरे वृक्ष को मत काटो, फलों से भरे वृक्षों को मत काटो, अब बेटा यहां भी वृक्षों को मत काटो, अगर मैं बोलती वृक्षों को मत काटो, तो आप बोलते कि वृक्ष जो है वो आपका सब्जेक्ट हो गया, लेकिन मैंने क्या लिखा कि फलों से भरे वृक्षों को मत काटो। तो यहां जो मैंने ये बोला, फलों से भरे जो शब्द है, ये आपका उद्देश्य का विस्तार बता रहा है। तो है तो ये भी उद्देश्य, लेकिन इसे हम कहते हैं उद्देश्य का विस्तार। आप टेंशन मत लीजिए कि को मत काटो, ये जो मत काटो है ये आपका विधेय है, नो डाउट। वृक्ष आपका सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट के बारे में जो हम लोग विस्तार से बता रहे हैं, तो वो आपका उद्देश्य का विस्तार कहलाता है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, काला घोड़ा दौड़ रहा है, अगर मैंने ये बोला घोड़ा दौड़ रहा है, तो आपने कहा कि घोड़ा जो है वो सब्जेक्ट हो गया, दौड़ रहा है ये आपका प्रेडिकेट हो गया, लेकिन मैंने बोला काला घोड़ा। अब यहां जो सब्जेक्ट है घोड़ा, उसका विस्तार कौन बता रहा है, काला,
तो यहां पर जो काला शब्द है ये उद्देश्य का विस्तार कहलाता है। दौड़ रहा है आपका, सही है, विधेय होता है, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो बताते हैं वो विस्तार कहलाता है। सब्जेक्ट का विस्तार यानी उद्देश्य का विस्तार। आप ये ही नहीं सोचेंगे बल्कि ऐसा ही सेम विधेय में भी होता है। उद्देश्य में आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, लेकिन विधेय में भी यही होता है। क्या, जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कि मैंने प्रथम पुरस्कार प्राप्त पुस्तकें पढ़ी, मैंने प्रथम पुरस्कार प्राप्त पुस्तकें पढ़ी, यानी मैंने वो जो पुस्तकें पढ़ी थी जिससे मैं प्रथम आया, इसका अर्थ ये हुआ। तो बेटा यहां पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त जो है ये आपका विधेय का, मतलब किसका विस्तार हो गया, ये आपका विधेय का विस्तार कहलाता है, क्योंकि ये जो पुस्तकें पढ़ी नो डाउट ये विधेय है। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं है, है 100% है, पुस्तकें पढ़ी आपका विधेय है, लेकिन पुस्तकों के बारे में विस्तार से कौन बता रहा है, प्रथम पुरस्कार प्राप्त, ये आपका विधेय का विस्तार कहलाता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, देश के नेता बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, देश के नेता बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। अब योजनाएं बनाते हैं नो डाउट विधेय है आपका, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन बड़ी बड़ी ये जो शब्द है ये आपका विधेय का विस्तार बता रहा है, इसलिए यहां पर विधेय का विस्तार कहलाता है। हम लोग आज वाक्य के दो भेद के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। वाक्य के दो भेद होते हैं, एक रचना के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर। आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था कि वाक्य के रचना के आधार पर भेदों के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। रिमेम्बर, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो बेटा ये जो आपने पिछली कक्षा में पढ़े थे याद होगा कि सरल वाक्य में सिंपल सेंटेंस को कहते हैं और इसमें कर्ता एक ही होता है, क्रिया एक ही होती है, जो जिसमें अपनी बात सिंपल वे में कही जाती है, तो ये सरल वाक्य कहलाता है, जिसे सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। और अगर मैं आपसे संयुक्त वाक्य की बात करूं तो आपको याद होगा इसमें और, लेकिन, परंतु, अथवा ये सारे जॉइंट करने वाले शब्द आते हैं, यानी समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है इसमें, आपको याद होगा। तो संयुक्त वाक्य में दो अलग अलग सेंटेंस होते हैं, उन्हीं को जोड़ने का काम जो शब्द करते हैं, जॉइंट करने के बाद वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य में बेटा एक पूर्ण सेंटेंस होता है जिसमें पूर्ण अर्थ होता है, उसको जो बाद वाला सेंटेंस है या बाद जो दूसरा सेंटेंस है वो पहले सेंटेंस पर आश्रित होता है, आश्रित होता है। ये जरूरी नहीं होता कि आश्रित वाला बाद में ही आए सेंटेंस, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें मेन सेंटेंस बाद में आता है और आश्रित वाला पहले आ जाता है, लेकिन जब वो आश्रित वाला सेंटेंस पहले आता है तो वो जो सेंटेंस है या तो वो जो से शुरू होंगे या जहां से शुरू होंगे, ऐसे शब्दों से वो वाक्य शुरू होते हैं। तो आपको आई थिंक सब कुछ याद आ गया होगा कि सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस को कहते हैं जिसमें कर्ता और क्रिया एक ही होती है, संयुक्त में और, लेकिन, परंतु, अथवा दो अलग अलग सेंटेंस इन शब्दों से जुड़े हुए होते हैं, और मिश्र
सेंटेंस मिश्र वाक्य जो है वो एक पूर्ण सेंटेंस होता है, उस पर दूसरा सेंटेंस आश्रित होता है, यानी डिपेंड होता है। यानी अगर डिपेंड वाला सेंटेंस को हम लोग अलग करना चाहे तो वो पूर्ण अर्थ नहीं देता है। क्लियर? अब हम वाक्य का दूसरा भेद अर्थ के आधार पर उसे समझेंगे। बेटा, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। रिमेंबर, 8 भेद। फर्स्ट विधानवाचक, सेकंड निषेधवाचक, थर्ड प्रश्नवाचक, फोर्थ इच्छावाचक, फिफ्थ संदेहवाचक, सिक्स आज्ञावाचक, सेवंथ संकेत वाचक और एट्थ विस्मय वाचक। अगर हम लोग फर्स्ट विधानवाचक की बात करें तो बेटा विधानवाचक सिंपल सेंटेंस को कहते हैं, जो साधारण वाक्य भी हम कहते हैं। आप जा रहे हो, मैं खा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ऐसे सेंटेंस आपके विधान वाचक में आते हैं। सिंपल सा है, मैंने खाना खा लिया है, मैंने होमवर्क कर लिया है, पापा घर पे हैं, ये सारे विधान वाचक सेंटेंस होते हैं। लेकिन निषेधवाचक, सेकंड नंबर आपका भेद है निषेधवाचक। निषेधवाचक में बेटा किसी कार्य को मना करने के लिए प्रयोग में आता है। यानी अगर आपने किसी काम में नेगेटिव चीज बोली, या जैसे मैंने खाना नहीं खाया है, मैं काम नहीं करूंगा, मैं घर पर नहीं हूं, मैं जयपुर नहीं जाऊंगा, ये सारे जिसमें मना कर रहे हैं हम काम को, वो निषेधवाचक कहलाते हैं। यानी विधानवाचक में तो साधारण सी बात थी, मैं खाना खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, लेकिन निषेधवाचक में काम को मना करना होता है। मैं काम नहीं करूंगा, मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खाऊंगा, ये मना करते हैं जिसमें, वो निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। क्लियर? थर्ड नंबर है आपका प्रश्नवाचक। मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था, आप कैसे हैं, तो जब मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूं वो प्रश्नवाचक वाक्य में आता है। यानी कहां, कैसे, कब, कौन, इन सभी शब्दों का जब प्रयोग सेंटेंस में किया जाता है तो वो प्रश्नवाचक वाक्य बन जाते हैं। आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कब जा रहे हो, तो ये सारे प्रश्नवाचक सेंटेंस हैं। क्लियर? फोर्थ वाला है आपका इच्छावाचक। इच्छा, जब आप लोग अपने मन की कोई इच्छा प्रकट करते हैं किसी के भी सामने, मैं ये नहीं कह रही किसी के भी, मम्मी के, पापा के, दादा के, दादी के, टीचर के, मौसी के, मामी के, किसी के भी आगे जब आप लोग इच्छा प्रकट करते हुए अपने भाव प्रकट करते हो तो वो आपकी इच्छावाचक वाक्य बन जाता है। जैसे कुछ बच्चे अपनी दादी के पास जाते हैं और दादी से कहते हैं, दादी दादी मुझे रसगुल्ला खाना है, तो ये जो आपका सेंटेंस है ये इच्छावाचक में है। कुछ बच्चे मम्मी के पास जाकर कहते हैं, मम्मी मम्मी आज मुझे स्कूल नहीं जाना है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आज मेरा मन नहीं है, तो ये सारी उनकी इच्छाएं प्रकट करती हैं। यानी जिस वाक्य में हम अपनी इच्छा प्रकट करते हैं
वो इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। फिफ्थ नंबर है आपका संदेहवाचक। संदेह का इंग्लिश में कहते हैं हम उसे डाउट, डाउटफुल। तो यहां भी सेंटेंस में बेटा डाउट ही होगा, क्लियर नहीं होगा। जैसे शायद मौसम साफ हो जाए, शायद बरसात आ जाए, शायद मौसी घर आ जाए, शायद कुछ भी हो सकता है। तो जिसमें शायद संदेह हो, संदेह, वो सेंटेंस आपके संदेह वाचक में आते हैं, जिसमें हम लोग खुद कंफर्म नहीं है। कंफर्म ना होने का मतलब आपको डाउट है, और डाउट अगर है तो वो संदेह वाचक वाक्य के अंदर आता है। नेक्स्ट आपका है सिक्स नंबर आज्ञावाचक। आज्ञावाचक आपको, आप छोटे बच्चे हो और आपको मालूम ही है कि बड़े आप लोगों को कुछ ना कुछ काम करने की बोलते होंगे, आज्ञा देते होंगे, तो वो सारे सेंटेंस बेटा आज्ञावाचक में ही आते हैं। जैसे सुबह मम्मी ने आपको कहा होगा, उठ जाओ जल्दी, खड़े हो जाओ, होमवर्क कर लो, खड़े होके नहा लो, तो बेटा ये आज्ञा ही दी है मम्मा ने आपको। बाहर जाओ, देखो कौन आया है, ये भी आज्ञा है। जाओ दरवाजा बंद करके आओ, ये भी आज्ञा है। जिसमें जरूरी नहीं है कि मम्मी ही आज्ञा देती है, पापा भी दे सकते हैं, टीचर भी देती हैं, जितने भी एल्डर बड़े हैं आपके, सब आपको जो भी सेंटेंस प्यार से भी कहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा ही आज्ञा देते हैं, प्यार से भी बोलते हैं, लेकिन जो सेंटेंस आपको कुछ कार्य करने के लिए कहे जाए, जाओ गेट बंद करके आओ, जाओ देखो दरवाजे पर कौन है, ये आपके आज्ञावाचक वाक्य है। नेक्स्ट आपका आता है संकेत वाचक वाक्य। बेटा याद रखना, संकेत वाचक वाक्य में शर्त बताई जाती है। शर्त बताई जाती है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। अब यहां पर आपके लिए शर्त है कि अगर मेहनत करोगे तभी पास होगे, अन्यथा नहीं होगा, डाउट मतलब आप रह जाओगे फिर। तो यहां शर्त होने की वजह से ये संकेत वाचक वाक्य कहलाता है। अगर बाजार जाऊंगी तो केक लेकर आऊंगी, ये भी शर्त है कि आप बाजार जाने दो तभी केक आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, है ना। तो ऐसे ही कई और भी सेंटेंस हैं कि जैसे तुम काम कर लोगे तभी खेलने जाओगे। अब यहां भी मम्मी की शर्त है कि पहले अपना काम फिनिश करो तभी आपको खेलने जाने दिया जाएगा। तो संकेत वाचक वाक्य में शर्त बताई जाती है। नेक्स्ट वाक्य है आपका विस्मय वाचक। बेटा अगर आपको याद हो, हमने पिछली कक्षा में पढ़े थे विराम चिन्ह। विराम चिन्हों के अंदर विस्मयार्थक चिन्ह भी आया था, है ना। और अगर हम लोग कारक की टेबल की करें तो उसमें भी हमारा विस्मयादक शब्द आए थे, यहां भी वो ही शब्द आएंगे। विस्मय वाचक जो शब्द यूज करके जो सेंटेंस बनाएंगे वो विस्मय वाचक सेंटेंस कहलाएगा। जैसे बहुत सारे मन के भाव इसमें आपको मालूम है, शोक, खुशी, आश्चर्य, सारे भाव प्रकट होते हैं। वाव कितना सुंदर फूल है, ची
कितनी बदबू आ रही है। और ओ ये क्या हो गया? तो जिसमें विस्मय आदर शब्दों का प्रयोग करके सेंटेंस बनाए जाते हैं वो विस्मय वाचक वाक्य कहलाते हैं। आई थिंक आपको ये 8 भेद समझ आ गए होंगे। विधानवाचक सिंपल सेंटेंस, निषेधवाचक जिसमें किसी कार्य को करने के लिए मना किया जाए वो निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। प्रश्नवाचक जिसमें क्वेश्चन पुट अप किया जाए, कब कहाँ कैसे क्यों इन आदि कई शब्दों का प्रयोग होता है प्रश्नवाचक सेंटेंस में। इच्छावाचक में हम लोग अपनी इच्छा प्रकट करते हैं वो इच्छावाचक सेंटेंस कहलाता है। संदेह वाचक में डाउट रहता है, नॉट कंफर्म होता है, जिसमें हम शायद का या काश का, काश हम लोग इच्छा में कर सकते हैं क्योंकि इच्छा प्रकट करेंगे तो हम बोलेंगे काश आज होमवर्क अपने आप हो जाए, काश आज मैं बाहर घूमने चला जाऊं। तो काश का प्रयोग हम इच्छा वाचक में करते हैं। और संदेह वाचक में हम शायद शब्द का प्रयोग करते हैं। तो संदेह में आपका शायद शब्द हो गया और आज्ञा में तो आपको कोई डाउट ही नहीं होगा क्योंकि आप छोटे हो तो आपको आज्ञा आए दिन हर समय अधिकतर आपको मिलती ही रहती होगी। तो कोई भी कार्य करने के लिए जो आपको आज्ञा दी जाती है वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। संकेत वाचक में शर्त रखी जाती है, यानी आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, वो करोगे तो वो होगा, इसमें शर्त रखी जाती है। और विस्मय वाचक में आ ऊ छी आ वाह इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आई थिंक आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के ये 8 भेद समझ आ गए होंगे। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये बेटा रचना के आधार पर ध्यान रखना, वाक्य के रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। लेकिन अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक और विस्मय वाचक, ये 8 भेद होते हैं। अब बेटा मैं आपको कुछ सेंटेंस बोल रही हूं तो उसे थोड़ा सा सोचो कि ये कौन सा सेंटेंस होगा। पहला सेंटेंस जो है, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, कौन सा सेंटेंस है ये? यस, विधान वाचक, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, मोहन कल बाजार गया था, ये कौन सा सेंटेंस है? यस, ये भी विधान वाचक ही है। अगर वह चले तो मैं अवश्य जाऊंगा, अगर वह चले तो मैं अवश्य जाऊंगा, ये कौन सा सेंटेंस है? करेक्ट, संकेत वाचक, क्योंकि बेटा इसमें शर्त रखी गई है। गुड। अरे इतनी ऊंची इमारत, ये कौन सा सेंटेंस है? यस, विस्मय वाचक सेंटेंस है ये। गुड। अब घूमने के लिए चला जाए, ये कौन सा सेंटेंस है? अब घूमने के लिए चला जाए, कौन सा है? इच्छावाचक। करेक्ट, इसमें इच्छा प्रकट की गई है।
मैं आज नहीं जाऊंगा, ये कौन सा सेंटेंस है? मैं आज नहीं जाऊंगा, करेक्ट, निषेध वाचक, गुड। क्या तुम पढ़ोगे? प्रश्नवाचक, करेक्ट। वह बैठकर काम, अब तो बैठ के काम कर लो, अब तो बैठ के काम कर लो, ये कौन सा सेंटेंस है? आज्ञावाचक, गुड। अब यदि आप आते तो इतनी मुसीबत नहीं आती है, अगर आप आते तो इतनी मुसीबत नहीं आती, ये कौन सा सेंटेंस है? गुड, संकेत वाचक। छी, कितनी बदबू है। विस्मय वाचक, गुड। शायद हम घूमने जाएं, शायद, अब यहां शायद आ गया तो संदेह हो गया, तो ये संदेह वाचक शब्द है, गुड। भगवान करे ये कोरोना जल्दी से चला जाए, गुड। इच्छावाचक, किसी से भी डरना नहीं चाहिए, यस, किसी से डरना नहीं चाहिए, तो यहां कौन सा हो गया? निषेध, वेरी गुड। आप क्यों नहीं जा रहे हो, आप क्यों नहीं जा रहे हो, ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है। आई थिंक आपको इन सेंटेंस के माध्यम से प्रैक्टिस हो गई होगी, रिमाइंड हो गया होगा सारा, कि हम अपने मन के भाव को बोलकर प्रकट करते हैं, ये सही है, लेकिन इनका भी एक व्यवस्थित व्याकरण रूप में क्रम होता है, उसी क्रम में बंधे हुए पदों को वाक्य कहते हैं। तो कुछ वाक्य ऐसे भी हैं जो वन वर्ड कहकर हम अपने मन के भाव प्रकट कर देते हैं, लेकिन वो सेंटेंस नहीं कहलाता। हाँ, प्रकट हो गए आपके भाव, नो डाउट, लेकिन वो सेंटेंस नहीं है। जैसे मम्मा अधिकतर आपको बोल देती है, जाओ लाओ खाओ, तो ये सेंटेंस नहीं है। हाँ, भाव प्रकट जरूर किया, मैं मान रही हूं आपकी बात, लेकिन भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ये सेंटेंस नहीं कहलाते हैं। आई थिंक आपको वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के उद्देश्य विधेय जो दो अंग हैं वो भी याद आ गए होंगे। वाक्य के दो प्रकार के भेद होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, तीन भेद होते हैं, और अर्थ के आधार पर आठ भेद होते हैं, जैसे विधानवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक और संकेत, ये सारे आपके अर्थ के आधार पर भेद, आठ भेद होते हैं।